यह बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पायलट के बयानों को लेकर गहलोत गुट के विधायक नाराज हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई, आलाकमान को शिकायती पत्र भी भेजा गया उन विधायकों की ओर से। कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को लेकर गंभीरता दिखाई है। कांग्रेस आलाकमान पायलट को लेकर गंभीर है, पायलट के बयानों इंटरव्यू को गंभीरता से आलाकमान ने लिया है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है, पायलट के बयानों को लेकर गहलोत गुट के विधायक काफी नाराज हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही है, तो आलाकमान भी बयानों को लेकर खुश नहीं है, ये सूत्र कह रहे हैं। 3 सदस्यीय कमेटी के गठन में अभी समय लग सकता है, सत्र के बाद ही इस समिति के गठन के आसार हैं। 3 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस निर्दलीय विधायकों को भी कांग्रेस आलाकमान पायलट को लेकर गंभीर है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पायलट के बयानों इंटरव्यू को गंभीरता से कांग्रेस आलाकमान ने लिया है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी सामने आ रही है कि पायलट के जो बयान थे उनको लेकर गहलोत गुट के विधायकों में नाराजगी है। आलाकमान को भी शिकायत पत्र उन विधायकों की ओर से भेजा गया है। कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को लेकर गंभीर है, पायलट के बयान और इंटरव्यू को गंभीरता से कांग्रेस आलाकमान ले रही है। कांग्रेस का कोरोना काल के 4 महीने का भी ब्यौरा इस दौरान लिया जाएगा। वेणुगोपाल बागीकुट को चुप रहने की हिदायत दे सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को लेकर यहां गंभीरता दिखाई है।